बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी शेफ फरहत तारिक किचन एवरीडे में आपको वेलकम करती हैं और दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे तमाम व्यूवर्स को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा होगा। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, अरवी चिकन की। यानी कि अरवी में मैं अरवी के सालन में मैं चिकन डालूँगी। तो अब ये मैंने ली है, एक पाव अरवी ली है और ये तकरीबन मैंने 10 मिनट पहले इसको बाहर निकाल लिया था अरवियों को, ताकि ये ड्राई हो जाए। अगर हम इसको फौरन ही फ्रिज से निकाल के, फ्रिज में रखी हुई थी, फौरन ही हम छीलना शुरू कर देते तो इसका जो लेस होता है ना, वो हमारे हाथों में आता और अरवियाँ सही से नहीं छिल पाती हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि 10-15 मिनट पहले फ्रिज से निकाल के इनको और बाहर रख दिया करें रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये ड्राई हो जाए तो हमें इनका छिलका उतारने में आराम से छिलका उतर जाए। और दूसरी तरफ मैंने ये पानी लिया है, इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी और उसके बाद जो अरवियाँ छिल छिल के मैं और इसके अंदर डालती जाऊँगी। तो ये जो नमक वाला पानी है, इसका मैं बताऊँगी कि ये क्यों डाला जाता है अरवियों में। तो अब ये देखिए, मैं बिस्मिल्लाह कर रही हूँ, स्टार्टिंग ले रही हूँ छीलने की। ये देखिए कितनी अच्छी आजकल अरवी आई हुई हैं बाज़ार में कि फ़ौरन ही इनका छिलका उतर रहा है। ये देखिए, कोई मेरे हाथ में लेस भी नहीं लग रहा है इनका और आराम से ये उतर जाएंगी। और इसके बाद जो है, जो लोगों को शिकायत होती है मुझ समेत कि अरवियाँ का छीलने के बाद जो है, जहाँ जहाँ इनका जो पानी जो है हमारे हाथों पे या पैरों पे, जहाँ भी जिस्म के हिस्से पे गिरे पानी की छींटे आती हैं, वहाँ पे हमारी ख़ारिश हो जाती है। तो ख़ारिश को ख़त्म करने का भी मैं एक तरीका बताऊँगी। अच्छा, मैंने ये करवी छील ली है और इसके बाद जो है बीच में एक टक लगा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी जब हम सालन बनाएंगे अरवियों का, तो इसके अंदर भी इसका सालन का जायका इनके अंदर भी घुस जाए। अच्छा, अब ये जो है दूसरी अरवी भी मैं छीलनी शुरू कर रही हूँ। इसी तरह जो है, मैं सारी अरवियाँ छीलने के बाद मैं इस नमक वाले पानी में डालती जाऊँगी। फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। हमारी तमाम अरवियाँ छीलने के बाद नमक वाले पानी में जा चुकी हैं, देखिए तमाम अरवियाँ। और इसके बाद जो है, मैं इस वाली मदानी के ज़रिए इसको मिक्स करूंगी। और पानी में नमक इसलिए डालते हैं कि अरवी जो है बादी होती हैं, तो इसलिए नमक वाले पानी से घुमा घुमा के इस तरह मदानी के ज़रिए इसका बादीपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैं 2-3 मिनट तक इसको इसी तरह घुमाऊंगी और पानी, साफ पानी से टैप वाटर के इनको धो लूँगी। ये देखिए, मैं इसको पानी से अच्छे से धो रही हूँ और उसके बाद जो 3 दफ़ा पानी निकाल के इनको भिगो के रख दूंगी अरवियों को। अरवियाँ छीलने के बाद हाथों में ख़ारिश हो जाती है, इसलिए इनको दूर करने के लिए किसी भी किस्म का टैल्कम पाउडर हाथों पे छिड़कें और उसके बाद जो है 2-3 मिनट तक लगा रहने दें। ये देखिए, मैं इस तरह लगा रही हूँ अरवियाँ छीलनी और मेरे हाथों में ख़ारिश शुरू हो चुकी है, तो इसलिए इसको थोड़ी देर लगा रहने दें और उसके बाद जो है अपना धो लें हाथ और बस फिर बाकी का जो खाना है आप पका लें। चलें, ठीक है। हमारे अरवी चिकन के सालन बनाने के मिर्च मसाले कुछ यूँ हैं। यूजुअली तो अरवी का सालन जो है मटन या बीफ में तैयार किया जाता है, लेकिन मेरे घर में चिकन इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए मैं इसको चिकन में ही बना रही हूँ। ये 1 पाव से ज़रा ज़्यादा चिकन है मेरे पास। और इसके अलावा ली थी मैंने ये मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने ब्राउन कर लिया है 1 प्याली कुकिंग ऑयल में। और इसी के तमाम जो सालन है अरवी चिकन का, ये मैं उसी कुकिंग ऑयल में तैयार करूँगी। अच्छा, आधी प्याली ली है मैंने दही की, 1-1 टेबल स्पून लिया है मैंने पिसी लाल मिर्च का और पिसे सूखे धनिया का, 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक का, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर का, 1 बड़े साइज़ का टमाटर रफली कट कर लिया है और 3 हरी मिर्चें ली हैं, इनको काट लिया है, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट का। अब इन तमाम मसालों को मैं ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं उस कुकिंग ऑयल में डाल दूँगी इन तमाम मसालों को ग्राइंड करने के बाद। हमने जिस ऑयल में प्याज ब्राउन की थी और उसी बचे हुए ऑयल में मैं ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देती हूँ। ये देखिए, मसाला चला गया है, गैस मैंने ऑन कर दिए और उसके बाद जो है हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होगा तो मैं इसके अंदर अरवी और चिकन डाल दूंगी। ये देखिए, हमारे मसाले का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया,
इस मुकाम पर हम इसके अंदर सब्जी और चिकन डाल देंगे। देखिए हमारी ये चली गई अरवियाँ और ये चला गया चिकन। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ये मसाला भी चिकन भी और अरवियाँ भी सब एक साथ ही भून जाएं। थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको भूनती जाऊंगी। अच्छा, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसा करने से मेरी जो भी न्यू रेसिपी अपलोड होगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और इसके अलावा जो है कमेंट्स कर दीजिएगा प्यारा सा इस रेसिपी की पे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें। अब इसका पानी खुश्क होता है, थोड़ा सा मैं गैस को ऊंचा कर लेती हूँ, मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसको भून लेती हूँ। देखिए इस सालन का पानी कुछ कम हुआ है तो अब मैं थोड़ा सा तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ और फिर इसको मसीह भूनूंगी, क्योंकि इस तरह करने से दो या तीन मरतबा पानी थोड़ा थोड़ा एक एक टेबल स्पून करके डाल के भूनने से इसकी जो सब्ज़ी का जो एक कच्चापन होता है वो भी निकल जाता है और गोश्त की जो स्मेल होती है चाहे वो मटन हो बीफ हो या चिकन हो तो उसकी भी जो हीक होती है एक कुदरती उस गोश्त की तो वो भी ख़त्म हो जाती है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। फिर नहीं तो सालन जो है हमारा फिर मज़ा नहीं आता खाने में कि जो स्मेल आती रहे सब्ज़ी में से भी और गोश्त में से भी। अब एक मरतबा और मज़ीद डालूंगी इसका पानी खुश्क होगा और फिर उसके बाद जो मैं पूरा पानी डाल दूंगी इसके अंदर कि इसमें सब्ज़ी और चिकन आराम से गल जाए। ये देखिए हमारी अच्छे से ये सालन भुन चुका है। मैंने बिहाइंड द कैमरा एक मरतबा और एक टेबल स्पून पानी का डाला था इसके अंदर, फिर इसको कवर करके रख दिया था। अब जो है मैं इसको और मज़ीद अच्छे से भून के ना, यानी कि दो मरतबा एक एक टेबल स्पून पानी का डाला अच्छे से भून गया, तो अब ये मैं इसको भून के पानी डाल रही हूँ दो गिलास। इंशाल्लाह इसके अंदर अरवी भी गल जाएगी और चिकन भी। चिकन तो वैसे भी इतनी नाजुक होता है गोश्त की वैरायटी में तो ये फौरन ही गल जाता है। बहरहाल अगर अरवियाँ ना गलें तो चिकन आप लोग निकाल के एक साइड पर, जैसे कि ये चिकन है इसको निकाल के आप लोग एक साइड पर प्लेट पर रख दें और अरवियों को मज़ीद पानी डाल के गला लें, कभी ऐसा बिलफर्स हो जाए आप लोगों के साथ। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मैं चिकन निकाल लेती हूँ अरवियाँ फिर गलाने के लिए मज़ीद पानी डाल के रख देती हूँ, लेकिन सीज़न की सब्ज़ी है ये तो इसमें ये इसी के अंदर ही इंशाल्लाह गल जाएगी। तो अब मैं दो गिलास पानी डाल दूँगी इसके अंदर और आराम से ये 20 मिनट में तैयार हो जाएगा ये हमारा अरवी चिकन का सालन। एक गिलास चला गया, अब दूसरा गिलास मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, दूसरा गिलास भी चला गया। अब ये आराम से लो फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए कवर करके छोड़ दूंगी। हमने गैस को लो फ्लेम कर दिया है, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लो से भी लोएस्ट नहीं, लो फ्लेम है। चलिए इसके बाद 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। अब हम देखते हैं हमारा सालन का पानी भी खुश्क हो गया होगा और अरवियाँ भी इंशाल्लाह गल चुकी होंगी। चेक करते हैं अरवियों को, देखते हैं ये देखिए गल चुकी है एकदम, और दूसरी वाली भी देख लेते हैं ये भी गल चुकी है बिल्कुल सॉफ्ट हुई हुई है। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पर रख देंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर गरम मसाला छिड़केंगे और ये हरी मिर्ची है, ये मैं हरी मिर्चें डाल देती हूँ तकरीबन 4 के लगभग हैं। और इसके बाद जो है ये होममेड चाट मसाला है, इसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा, ये देख लीजिएगा। अब इसको बिल्कुल मैं स्लो फ्लेम पे कर देती हूँ, बिल्कुल दाने व दाने वाली गैस जो होती है उसके ऊपर कर दिया है मैंने,
और ये इसके बाद जो इसका जो रोगन है, घी जो है, कुकिंग ऑयल, ये सब ऊपर आ जाएगा और ये मिर्चें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। 5 मिनट का हम इनको इसका ढक्कन रख के दम देते हैं। हमारे इसको 5 मिनट हो गए हैं दम लगते हुए। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके तमाम मसालों की, सालन के, ऊपर से हरी मिर्चें और होममेड गरम मसाला जो डाला है उसकी बहुत हसीन खुशबू आ रही है। बहुत ज़बरदस्त, देखिए कितना खूबसूरत तैयार हुआ। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। हमारा अरबी चिकन का मज़ेदार सा सालन तैयार हो चुका है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका तो मेरे सालन से भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। अपनी शेफ़ फरहत तारिक को किचन एवरीडे से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोई नई रेसिपी लेके दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानल्लाह।